हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सेम। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक रियो प्लस 20। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, तो हिंदी वाले इंग्लिश देखिए घबराए नहीं, वो सिर्फ समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, तो रियो प्लस 20 जो है ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में एज अ शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट आंसर्स में आया है काफ़ी बार एग्जाम्स में। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इट इज़ अ शॉर्ट नेम फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच टू प्लेस इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। मतलब कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन में, फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी किस टॉपिक पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, ये जगह का नाम है, तो उस कॉन्फ्रेंस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रियो प्लस 20। रियो प्लस 20 क्या था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ये टॉपिक था, इस टॉपिक पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म रख दिया रियो प्लस 20। कब हुई थी, June 2012 में हुई थी। एट द रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड लीडर अलॉन्ग विद थाउजेंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, इसमें कौन कौन मतलब प्रेजेंट था, वर्ल्ड लीडर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट थे, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी थे इसमें प्राइवेट सेक्टर्स के, ठीक है, और एनजीओ थे एंड अदर ग्रुप केम टुगेदर टू शेप हाउ वी कैन रिड्यूस पावर्टी। मतलब ये सारे लोग एक पास आए थे, एकजुट हुए थे, क्यों हुए थे, मतलब इस कॉन्फ्रेंस में इनका बेसिक मोटिव या कह सकते हो एम क्या था इस कॉन्फ्रेंस में एक साथ आने का, एकजुट होने का, क्या था, टू रिड्यूस पावर्टी, एडवांस सोशल इक्वालिटी, यानी कि सभी लोग एक बराबर हों, गरीबी कम हो जाए, एंड एनश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और जो वातावरण है हमारा उसको प्रोटेक्ट करना, ये इनका मेन मोटिव था। तो फिर से देख लीजिए रियो प्लस 20 क्या था, कॉन्फ्रेंस थी जिसका शॉर्ट नाम रखा गया रियो प्लस 20। वो कॉन्फ्रेंस किसके किस बेसिस पे थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थी, और कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी June 2012 में, इसलिए उसका नाम रियो प्लस 20 रखा गया। और इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन प्रेजेंट था, वर्ल्ड लीडर्स थे अलॉन्ग विद थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स, एनजीओज एंड अदर ग्रुप्स केम टुगेदर, और इनका मेन मोटिव क्या था, ताकि वो रिड्यूस कर सके पावर्टी यानी कि गरीबी को कम करना, एडवांस सोशल इक्वालिटी मतलब सभी लोग एक बराबर हो, ठीक है, और एनश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को एनश्योर करना, ये इनका मेन मोटिव था। फिर एट रियो प्लस 20 मोर देन इतने बिलियन वर्स प्लस टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो प्लस 20 में क्या हुआ था, इतने बिलियन डॉलर्स, 513 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो मतलब प्लेज किए गए थे, यानी कि मतलब ऐसा किया गया था कि इतना हम खर्च करेंगे ताकि हम एक बिल्ड कर सके सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी, फिर भी आप लोग देख लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से यूज़ करना कि वो प्रेजेंट में भी उसका हम लोग लाभ उठा सके और फ्यूचर जनरेशन भी हमारे उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो रियो प्लस 20 में बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना और चैनल को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।